सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर बीएल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी। आज अपन बात करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर की। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये वेस्ट डिकम्पोजर का जो मटेरियल है वो राष्ट्रीय जैविक केंद्र, राष्ट्रीय जैविक संस्थान केंद्र है गाजियाबाद, वहाँ से विकसित है। इसके अपन सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं तो इसका चार तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन खेत में बीजोपचार कर सकते हैं, दूसरा अपन खेत में इसको तैयार होने के बाद सीधा पानी के साथ या फिर अपन स्प्रे कर सकते हैं, तीसरा अपन खड़ी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, चौथा अपने फार्म पे जितना भी वेस्ट मटेरियल है, कचरा है, तूड़ी है जो पशु नहीं खा सकते हैं और ये एक्स्ट्रा वीड निकाले हुए है, इनको एक गड्ढे में भर के अगर इसका छिड़काव करते हैं तो ये 2 महीने में लगभग उसको पूरी को खाद में कन्वर्ट कर देता है। आइए देखते हैं कि इसकी विधि ये कैसे बनाते हैं। सर्वप्रथम एक अपन ड्रम लेते हैं, ये ड्रम अप्रोक्सीमेट 100 से 200 लीटर तक का ले सकते हो आप, अपने इच्छा अनुसार, मतलब जो अपने पास अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार ले सकते हो। फिर इसमें 100 लीटर पानी भरते हैं, अगर 100 लीटर का है तो 100 लीटर पानी भर दो, 200 लीटर का है तो 200 लीटर पानी भर दो। फिर 100 लीटर पानी भरने के बाद इसके अंदर 2 किलो गुड़ मिलाते हैं जो अपने कॉमन मार्केट में अवेलेबल, और उस गुड़ को मिला के इसको अच्छे से वेल मिक्स करते हैं। वेल मिक्स करने के बाद अपन क्या करते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर है वो मटेरियल है जो अपन इसके अंदर डालते हैं, जो इस तरह के पैकेट में पैक होके आता है वेस्ट डिकम्पोजर, जो आप अच्छे देख रहे हो ये मार्केट में भी अवेलेबल है और प्राइस है इसकी 50 रुपये पर डिब्बी है, और ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। अगला इसका जो फिर इसको क्या करेंगे अपन, गुड़ मिलाने के बाद इसमें जो इतना सा मटेरियल निकलेगा आपको मीडिया पे ग्रोथ किए हुए बैक्टीरिया, ये सारे लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, इसको अपन मिला के वेल मिक्स कर लेंगे। जैसे कि ये देख रहे हो आप, हमने इसको कल किया था रेडी, कल इसको डाला था, मिलाया था, और आज इसमें बैक्टीरिया की इतनी सारी ग्रोथ है, ये इस तरह का बन चुका, और 7 दिन में ये बिल्कुल लस लसा पदार्थ की नुमा बन जाएगा। मतलब इसके अंदर इतने सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, और वो बैक्टीरिया मीन्स आप जो जिस क्रॉप पे जिस पे भी यूज करोगे उसमें लिए बेनिफिशियल होगा। अगला इसका जो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग भी है और इसको अच्छा माना जाता है, जो डिजीज़ की बात करें अपन, तो जो फसलों में डिजीज़ का अटैक हो जाता है, जैसे चाहे एंथ्रेक्नोज का हो, चाहे पत्ती धब्बा रोग हो, चाहे स्टेम वाला हो, चाहे रूट रोट हो, तो आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये क्या करता है कि हानिकारक जीव है उनको डैमेज करता है और उसके अटैक को कम करता है। तो ये रोगों के लिए भी उपयोगी है, प्लस इसका स्प्रे करने के बाद इससे इंसेक्ट का अटैक भी कम होता है। तो यूँ मान के चलते हैं कि जो वेस्ट डिकम्पोजर है ये सड़े गले कचरे को खाद में भी बदल सकता है, पौधे को रोग रोधी क्षमता प्रदान करता है, मिट्टी के अंदर जितने भी मिट्टी जनित रोग होते हैं उनके जीवाणुओं को, उनकी फंगस को ये खा जाता है या फिर उनसे लड़के उनको डैमेज करता है। ज़मीन में पड़े हुए प्यूपा जो अंडे होते हैं, अगर आपने ज़मीन में छिड़का तो जो कीटों के जो प्यूपास अंडे डोरमेंसी फॉर्म में पड़े रहते हैं उनको ये खा जाता है, उन पर अटैक करता है और बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है। इवन दैट खेत को ये मतलब यूँ मान के चलो कि रोगों से और ये प्यूपा से और जो भी हानिकारक जीव है जिसमें फंगस आ गया, आपका बैक्टीरिया आ गया, उनसे ये फ्री कर देता है, और अल्टीमेट बहुत उपयोगी और बहुत सी सस्ता है, इसमें कुछ ही खर्चा नहीं है। 100 किलो पानी 50 रुपये की ये और 200 रुपये का गुड़, 150 रुपये का खर्चा, 7 दिन में ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर आपको इसको स्प्रे करना है जिस पे भी आप करना चाह रहे हो, जिस तरह से आप उपयोग करना चाह रहे हो। और दूसरी बात, इसमें कितनी मात्रा डालें, ये पूरा तरह से जैविक है, लाभदायक बैक्टीरिया है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप कितनी मात्रा डालो, जितनी ज़्यादा डालोगे उतना ही अच्छा है। लेकिन जब आप कोई स्प्रे करते हो तो 10% रख लेना चाहिए, 10% का रेशो, मतलब उससे क्या होता है कि नोजल में ये आसानी से निकल जाए, मतलब 1 लीटर आपका ये वेस्ट डिकम्पोजर और 9 लीटर पानी, तो ये आपका 10% का सॉल्यूशन बनता है। तो आप अगर बड़ी टंकी है तो उसी रेशो से इसको डाल लीजिए, और कम पानी है तो उसी रेशो से इसको डाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, तो ठीक है सर, फार्म स्टोर पे जैसे फार्म पे जो वेस्ट होता है, हाँ, तो खा नाम ही वेस्ट डिकम्पोजर है जी, तो फार्म स्टोर फार्म में जो वेस्ट निकला जी, कैसे ये फार्म जो वेस्ट निकलता है, जैसे कि आपका तूड़ा हुआ है, पौधे की जड़ें हुई है, खरपतवार के रेजिड्यू है, टहनियाँ है पौधे की, कुल्ला के एनी टाइप का
फसल को काटने के बाद उसके जो स्टबल बचते हैं वो हुए, इनको क्या करते हैं अपने एक गड्ढा ले लेते हैं, और कोशिश ये रहे कि गड्ढा अगर सील पैक करवा दो आप, हल्की सीमेंटेड करवा दो या फिर उस पर गोबर या इसका लीप कर दो तो बेटर है। फिर उसमें गड्ढा डालने के बाद आप क्या, अपन क्या करते हैं कि उसको कचरे से पूरा भरते हैं, जो भी अपने पास मटेरियल अवेलेबल है, लोकल मटेरियल अवेलेबल है, उसको भरने के बाद अपन जितना कचरा है उस पर उसी रेशो के अंदर, ठीक है, जैसे दो ट्रॉली कचरा है तो कम से कम 200 लीटर पानी में मिला के इस वेस्ट डिकम्पोजर को उसके ऊपर छिड़कना है। छिड़कने के बाद कोशिश ये करना है कि अगर वो पैक होता हो तो गोबर से उसके ऊपर से लिपाई कर दो, या फिर आप तिरपाल से उसको ढक सकते हो, ताकि क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या है कि कम ऑक्सीजन में बहुत फास्ट ग्रोथ करता है। आप खुले में भी रख सकते हो, नो डाउट खुले में, लेकिन ग्रोथ कम करेगा, तो वो पूरे के पूरे कचरे को 2 महीने में खाद में कन्वर्ट कर देगा। तो पौधों के लिए मतलब आप जहाँ गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आप अपने इस कचरे की खाद बना के आप उसके लिए उपयोगी हो सकते हो, और ये बहुत ही फायदेमंद है। जो खाद वेस्ट डिकम्पोजर की हेल्प से बनती है, इसके अंदर जनरली 4% तक नाइट्रोजन होती है, 1 से 1.5% तक फास्फोरस होता है, और पोटास होता है 2 से 2.5-3% तक, क्योंकि अपन अधिकतर जो स्टेबल यूज़ करते हैं उस स्टेबल में पोटास कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इससे जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व है, चाहे आपका तांबा हो, आयरन हुआ है आपका, मोलिब्डेनम हुआ है आपका, कॉपर, जिंक, ये बोरोन जो कि पोलन वाइबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्सिबल है, मोलिब्डेनम, ये सारे के सारे पोषक तत्व तो भी उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ जो भी लाभदायक पोषक तत्व तो आपका वेनेडियम हुआ, कोबाल्ट हुआ, जो कुछ क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, स्ट्रोनियम हुआ, वेनेडियम हुआ, क्लोरीन हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये भी इसमें प्रोवाइड करवाने की एबिलिटी रखता है ये अपना में। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन न्यून मात्रा में, लेकिन एक तरीके से ये पौधे के लिए कंप्लीट आहार, अगर इससे जो बना हुआ है वो वेस्ट डिकम्पोजर खाद है, जो वो पौधे के लिए संतुलित आहार का काम करेगी, जो अपन दैनिक भाषा में उस शब्द का यूज करते हैं, वो पौधे के लिए जैविक खेती करने वालों के लिए अमृत है अगर इसका उपयोग सही से करें। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए छायादार स्थान पे होना चाहिए, छायादार स्थान के साथ साथ इसमें 7-8 दिन तक ही रहना चाहिए। जब बैक्टीरिया ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो क्या भोजन के लिए कॉम्पीट करते हैं तो मर जाते हैं फिर, तो इसको ज़्यादा 7 की जगह 10 दिन रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप रखोगे तो वो बैक्टीरिया को, या तो फिर आप फूड मटेरियल और प्रोवाइड करवाओ, ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स, ये लॉगरिथम वैल्यू में इसका मल्टीप्लेक्शन होता है, मल्टीप्लेक्शन इतना होता है कि आप कल से देखिए, कल बिल्कुल ताज़ा पानी था और आज ये पूरे पूरे जीव ही जीव दिख रहे हैं इसमें, तो इतना ज़्यादा चेंजेज है एक दिन में, तो अब आप देख लो कि कितनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है, तो लॉगरिथम वैल्यू में इनकी ग्रोथ होती है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है फार्मर के लिए, ठीक है, धन्यवाद।